पहले के समय में देश की ज़्यादातर आबादी गाँव में ही रहती थी, क्योंकि वहाँ जीवन जीने की सभी सुविधाएँ मौजूद थी। लेकिन आज लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से लोग नौकरी की तलाश में गाँव को छोड़कर लगातार शहर आ रहे हैं। इस वजह से गाँव का आकार भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। लेकिन आज भी एक गाँव ऐसा है जिसे एशिया के सबसे बड़े गाँव का दर्जा मिला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के गहमर गाँव की। इस गांव की कुल आबादी 1,20,000 से भी ज़्यादा है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इसे 1530 में कुसुमदेव राव ने सकराडीह नामक जगह पर बसाया था। गहमर गाजीपुर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है जो पटना और मुगल सराय से जुड़ा हुआ है। इस गाँव के लगभग 12 लोग भारतीय सेना में जवान के पद से लेकर कर्नल के पद पर तैनात हैं। इस गांव में 15,000 से भी ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ यह गांव 8 वर्ग मील में फैला हुआ है। लगभग 1,20,000 आबादी वाला यह गांव 22 पट्टी और टोलों में बटा हुआ है। पहले विश्व युद्ध से लेकर सन 1965 और 1971 की सभी लड़ाइयों में इस गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की फौज में 228 सैनिक इस गांव के शामिल थे। इनमें से 21 सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों की याद में गांव में एक शिलालेख भी लगा हुआ है। गांव के युवक गांव से ही कुछ दूरी पर गंगा तट के किनारे सेना में जाने की तैयारी भी करते हैं। इस गांव के युवकों की सेना में जाने की परंपरा की वजह से ही यहाँ हर साल सेना भर्ती कैंप लगाती थी, लेकिन इसको 1986 में बंद कर दिया गया। अब इस गांव के युवक भी देश के कोने कोने में होने वाली सेना की भर्तियों में शामिल होने के लिए जाते हैं। भारतीय सेना ने गहमर गांव के लोगों के लिए सैन्य कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई थी। इस कैंटीन के लिए बनारस की कैंटीन से सामान हर महीने भेजा जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से यह बंद कर दी गई है। यह गाँव बहुत ज़्यादा आधुनिक है और यहाँ शहर जैसी सुविधाएँ भी हैं, जैसे गांव में टेलीफोन एक्सचेंज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस वजह से इस गांव के लोगों को किसी भी काम के लिए शहरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहां की पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अब इस कदर इसके लिए आदि हो गई हैं कि किसी भी आपदा या विपदा के समय घर के पुरुषों को जाने से नहीं रोकती हैं। महिलाएं पुरुषों को प्रोत्साहित करके उन्हें भेजती हैं। गहमर स्टेशन पर रुकने वाली लगभग हर गाड़ी से कोई ना कोई सैनिक उतरता ही है। कभी कभी यह स्टेशन छावनी में भी तब्दील हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।